आज से 5-7 साल पहले जब पंजाब में काम करने का मौका मिला तो उस समय बहुत लोगों से यहाँ परिचय रहता था मेरा। सब विधानसभाओं के चुनाव के समय भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में रहा, उस समय जाना हुआ था। लेकिन आज तो एक विषय विशेष को लेकर के आया हूँ, और वो विषय ये है कि देश में जिस प्रकार का एक वातावरण माहौल बना है, उस माहौल में एक सरकार वैसी आई है जिनको जिनके ऊपर एक जिम्मेवारी चली गई है कि पिछले 70 साल से बहुत से ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिनकी लगातार हम मांग करते रहे लेकिन आज तक सुलझ नहीं पाए थे, उनको एक एक करके सुलझाया जा रहा है। चाहे उसमें 370 की बात हो, 35A की बात हो, राम जन्मभूमि की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, या फिर अभी जो लेटेस्ट वो हुआ है नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये 2019 में ये पारित किया गया है। वैसे सिटीजन एक्ट जो है ये 1955 का है अपने, तो 1955 के एक्ट में ये सारे प्रावधान बदल बदल के 2-3 अमेंडमेंट हुए हैं। अपने को पता है कि इस देश का विभाजन 1947 में हुआ था, जब अपना देश आज़ाद हुआ था। इस देश के उस समय तो 2 देश बने थे, बाद में जो हमारा दूसरा देश जो टूट करके हमसे बना पाकिस्तान, उसके 2 हिस्से हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अफगानिस्तान उससे पहले से है, लेकिन इन सब देशों में भी जैसे यहाँ हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ का एक ग्रुप रहता है, वहाँ भी कुछ माइनॉरिटीज़ रहती हैं। देश जब आज़ाद हुआ उस समय एक समझौता हुआ था, दिल्ली समझौता, नेहरू लियाकत अली पैक्ट जो हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी कि अपने अपने देश में हम मेजॉरिटी के साथ साथ जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी उसी प्रकार के अधिकार देंगे जैसे मेजॉरिटी के होते हैं, बल्कि माइनॉरिटी की सुरक्षा करने के लिए और अतिरिक्त अधिकार देने पड़ेंगे, वो भी हम देंगे। उनकी जो लोकल लेवल पर जो कुछ परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, उसके अंदर भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। ये एक्ट था दिल्ली समझौता, जो लियाकत नेहरू लियाकत अली एक्ट जो बना था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय से लेकर आज तक भारतवर्ष में तो सभी माइनॉरिटीज़ को पूरे अधिकार, मान सम्मान, उसी प्रकार की उनकी सुरक्षा, ये सब की जाती है, लेकिन उन 3 देशों में ये कमियां आज भी देखने को मिली हैं कि उन्होंने अपने मेजॉरिटी के दबाव में माइनॉरिटी के खिलाफ खूब वो खिलवाड़ करते हैं। माइनॉरिटी का मान सम्मान नहीं है, माइनॉरिटी को अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपने पूजा पद्धति का तरीका, पाठ, घर परिवार के जो उनकी प्राइवेट तौर पर जो भी कुछ ऐसे रिवाज बने हुए हैं, उनके ऊपर भी उनको सहन नहीं होता। यानी अगर देखा जाए तो इनटॉलरेंस इन 3 देशों में देखने को मिलती है। 3 देशों के अलावा भी बहुत देशों के किस्से और हैं, वो मैं आज बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज ये जो CAA है इसका संबंध 3 देशों के उस आबादी के साथ है जो वहाँ से परेशान होकर के, जो अपमानित होकर के, जलालत सहन करके, वहाँ तरह तरह की उनको जो पीड़ाएँ पहुँचाई जाती हैं उसके कारण से अपने आप को ऐसा है महसूस करके, और जिसको कहना चाहिए सिर छुपाने के लिए, इज्जत बचाव करने के लिए, वो लोग भारतवर्ष की ओर देखते हैं और भारत में आ जाते हैं। तो जब यहाँ आते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा ठीक से हो, इसके लिए अमेंडमेंट पहले भी किए गए हैं, और एक जो सिटीजन एक्ट का पहले नियम था कि अगर उनका व्यवहार ठीक है और वो भारतवर्ष के साथ अपना आप संबंध बढ़ाना चाहते हैं, नागरिकता यहाँ की लेना चाहते हैं, दूसरे देश में जहाँ से आया वहाँ की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ नियम बने थे, उसमें 11 साल के बाद वो अप्लाई करके नागरिकता ले सकते हैं। उसमें बहुत से लोगों ने नागरिकता अप्लाई की हुई है, मिलती भी है, बाकी सब धर्मों को भी मिलती है, इवन मुस्लिम धर्म जिसके बारे में बात कहा जा रहा है कि वहाँ का जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को भी मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो पिछले 2014 से 2019 जो पहला हमारा NDA सरकार का टाइम पीरियड रहा है मोदी जी का, उसमें भी 550 मुस्लिम परिवारों को नागरिकता मिली है, बाकियों को मिली है, मैं मुस्लिम परिवारों को खास बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुस्लिम परिवार को नहीं मिलती है, उनको भी मिलती है। अभी 12 साल के अंदर जिनको अभी नागरिकता नहीं मिली है,
ऐसे परिवार आज भी बहुत बड़ी संख्या में कुछ प्रदेशों में हैं, और ख़ास करके ऐसे प्रदेशों में जो इधर तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नज़दीक हैं, उसमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है, जम्मू कश्मीर भी है, दिल्ली है, और कुछ प्रदेश जो बांग्लादेश के नज़दीक हैं उसमें बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, असम है, ऐसे सब प्रदेशों में वहाँ के लोग जा कर के रहते हैं। इनको नागरिकता सुविधाजनक तरीके से मिले, थोड़ा जल्दी मिले, एक अमेंडमेंट सिर्फ इतना ही किया है। वो जो 11 साल का टाइम बढ़ था उसकी बजाय अब उसको सिर्फ 5 साल कर दिया गया, और 5 साल की भी एक डेडलाइन लिमिट लगा दी, किस समय तक के 5 साल, यानी 31 दिसंबर 2014